जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई, ऐसा एक हमारे अंदर ये ऐसा समा गई है लोकलाज की, जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र हैं जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है। और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझवाड़ियाँ चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे, वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए।